कैमूर का पहाड़ है दोस्तों, ये बड़ा पहाड़ नहीं बोलेंगे इसको, कैमूर के शान ये है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी मैं दोस्तों यहाँ पर करमचट बांध के पास आया हुआ हूँ, जो शाम से 20 किलोमीटर पहले है। ये देखिए दोस्तों, ये डैम से निकला हुआ पानी से एक नहर बना हुआ है, बहुत ही दूर तक ये नहर गया हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ करमचट डैम। दोस्तों क्या पत्थर, इधर विशाल विशाल पहाड़ है दोस्तों। इधर गुप्तेश्वर धाम कभी भी आप लोग आएंगे ना, तो ये आप लोग लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर सीन आप लोग फील होगा। करमचट इंजन का 3 गेट यहाँ पे बना हुआ है, पानी तो ओवरफ्लो है, पानी नीचे पानी खुला हुआ है गेट अभी सब। दोस्तों ये देखिए, यही है करमचट डैम। देखिए दोस्तों, तो पानी बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ तो रात में इतना बारिश हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ना 7 पहाड़ी के पानी इस डैम में दोस्तों आता है, 7 पहाड़ी का पानी। दोस्तों करमचट डैम, गेट नंबर 2 है दोस्तों ये। तो अगर ये लोग गेट नहीं खोलेंगे ना तो उनका तो गेट टूट जाएगा दोस्तों। यहाँ इतना पानी का रात में हुआ था, रात में दोस्तों पूरा गेट खोल कर रखे ये लोग। दोस्तों ये है, दोस्तों ये है गेट नंबर 1। दोस्तों इधर से जो आपको दिख रहा है वहां पर चेक पोस्ट बना हुआ छोटा सा, उसी से दोस्तों जाता है गुप्तेश्वर धाम जाने का रास्ता, वहीं से है वो वाले दोस्तों। देखिए वहां वो उधर से जाने का रास्ता गुप्तेश्वर धाम। दोस्तों ये देखिए यहाँ सामने में दोस्तों कैमूर का सबसे बड़ा कैमूर का पहाड़ है दोस्तों, ये बड़ा पहाड़ नहीं बोलेंगे इसको, कैमूर के शान ये है। उसके बाद दोस्तों इधर से देखिए दोस्तों क्या इधर सब दोस्तों बहुत डेंजरस सीन है, बहुत ज्यादा पहाड़ का तो है दोस्तों, इधर अंत ही नहीं है, एक से एक बड़े बड़े पहाड़ है दोस्तों यहाँ है। देखिए दोस्तों क्या इधर ये देखिए दोस्तों, हर जगह बोर्ड लगा गया चेतावनी का, इस जलाशय में आम नागरिकों को नहाना मवेशी होना वर्जित है, सावधान आगे गहरी सफाई है, आप डूब सकते हैं, आम नागरिकों को एवं मवेशियों के लिए वर्जित है, जीवन अनमोल है, कृपया जलाशय के जल में प्रवेश ना करें, सावधानी बरते अनुसार कार्यपालक अभियंता दुर्गावती बांध प्रमंडल भितरी बांध। इतना कल बारिश ही हुआ है, सब खोल देना पड़ा। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बाइक से जा रहे हैं, बाइक वाले चार्ज करते हैं 1 पर हेड
300 रुपया, लेकिन 250 में मान जाते हैं गुप्तेश्वर धाम तक के लिए यहाँ से डैम से। दोस्तों ये है ना दोस्तों, गुप्तेश्वर धाम 7 पहाड़ी के बाद ये मंदिर आता है। दोस्तों पैदल आप आएंगे, पंजारी से चढ़ेंगे पहाड़ में, तो दोस्तों मैं तो गया था पैदल से, लेकिन आया मैं दोस्तों बाइक से, क्योंकि मेरे पैर में दोस्तों चोट लग गया था, इसलिए मुझे बाइक से आना पड़ा। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरे पीछे करमचा डैम है दोस्तों। रात में डैम पूरा पानी खोल दिया गया दोस्तों, क्योंकि रात में यहाँ पर डैम में इतना पानी भर गया था, गेट नहीं खोल दिया तो गेट पर पूरा था यहाँ पर, यहाँ का इतना खराब था पानी था यहाँ पर। ये आम बस्ता रास्ता, ये आम रास्ता नहीं है। कैमूर वन्य प्राणी आश्रय रोहतास प्रकृति और संस्कृति का संगम, रोहतास वन प्रमंडल में, वन प्रमंडल सासाराम। ये देखिए दोस्तों यही रास्ता होता स्टार्ट जाने के लिए गुप्तेश्वर धाम के लिए। दोस्तों इसमें दोस्तों आपको उतना मतलब कि पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सीधा रोड बना हुआ है, इसमें आप चल सकते हैं। सामने में चेक पोस्ट बना हुआ है, साथ यहाँ पे एंट्री होती होगी। और देखिए दोस्तों सामने कैमूर का वो, तो ये दोस्तों डैम का ये दोस्तों यहाँ पर एंट्री होता है बाइक का, और बाइक का चार्ज यहाँ पे 20 रुपये लगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं गुप्तेश्वर धाम के लिए। और अभी बड़ा गाड़ी के लिए अलाव नहीं किया गया, क्योंकि अभी रास्ता खराब हो गया, इधर से सिर्फ 2 व्हीलर ही इधर अलाव है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस टाइप का टिकट मिलता है। दोस्तों यहाँ का मैं सारा वीडियो अच्छे से बन गया है, अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग मिलूंगा मुंडेश्वरी धाम के पास में। दोस्तों हम लोग यहाँ से जाएंगे मुंडेश्वरी, उसके बाद जाएंगे दोस्तों ताराचंडी के पास। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।